नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा है कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। राज्यसभा में जया बच्चन के बयान पर कंगना रनौत ने रिएक्शन दिया है। कंगना ने जया बच्चन से सीधे तौर पर पूछा है कि अगर सुशांत की जगह अभिषेक होते तो आप यही कहती। दरअसल जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा है कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री व्हिच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एवरी डे टू 5 लाख पीपल एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 5 मिलियन पीपल एट अ टाइम व्हेन द फाइनेंशियल सिचुएशन इज इन अ डिप्रेसिंग स्टेट एंड एम्प्लॉयमेंट इज एट द वर्स्ट लेवल। In order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate and I hope the government tells these people who have made their earning name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. जया बच्चन के बयान पर अपने घर मनाली पहुंची कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा, जया जी क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह पर आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण होता। क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते। थोड़ी हमदर्दी हमें भी दिखाइए। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा, जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाया वो इसे गटर बता रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों से कहें कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने एक वक्त ऐसे लोगों के लिए कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। राज्यसभा में जया बच्चन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री हर दिन 5 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देती है, ऐसे वक्त में जब अर्थव्यवस्था बेहद बुरी हालात में है। लोगों का ध्यान हटाने के लिए बॉलीवुड सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है।